इस वीडियो में आप बात करेंगे सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से निकाले गए बंपर भर्तियों के अपडेट के बारे में इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरफ से बड़े स्तर पर आप सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा लेना, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, भर्ती का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, साथ में निविदा का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इन पर क्लिक करके इसके जो है और दूसरे पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको इस भर्ती से संबंधित जो भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगी उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगी। तो आपको इसका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है। क्लोजिंग डेट आपकी 12/6/2022 रखी गई है, मतलब की 12 जून तक आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो वैकेंसी आपके लिए रखी गई है, जिस सबइंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सबइंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव हेड कॉन्स्टेबल जीडी एंड कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर वैकेंसी है, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर टोटल वैकेंसी के बारे में, तो 20,020 पदों पर वैकेंसी रखी गई है, जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बात कर ले एसआई एग्जीक्यूटिव पद के लिए, तो आपको सुविधा की जो है जॉब प्रोवाइड की जाएगी। 630 पद यहाँ पर रखे गए हैं, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पद के लिए भी नायब सुविधा की वैकेंसी है, और इसी के साथ में 1877 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। हेड कांस्टेबल जीडी पद के लिए आपको हवलदार की रैंक यहां पर प्रोवाइड की जाएगी, और 4249 पदों पर ये वैकेंसी है। कांस्टेबल जीडी के अच्छे खासे पद रखे गए हैं, सिपाही के पद आपको यहां पर दी जाएगी, और इसी के साथ में 13264 पदों पर आपको सिपाही की रैंक मिलने वाली है। एंड 20,020 पदों पर ये वैकेंसी है, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाए। सीआईएसएफ यूनिट्स के बारे में अगर हम बात कर ले, तो आप जो है अपने स्टेट वाइज सीआईएसएफ यूनिट चेक कर सकते हैं। जिस भी स्टेट में आप जो है जॉब करना चाहते हैं, उस स्टेट में अपनी सीआईएसएफ यूनिट्स को चेक कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पद के लिए आपको 40,000 रुपए पर मंथ पे स्केल प्रोवाइड किया जाएगा। असिस्टेंट सबइंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव पद के लिए 35,000 रुपए सैलरी आपको दी जाएगी। हेड कॉन्स्टेबल जीडी पद के लिए आपको 30,000 रुपए सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है, और इसी के साथ में कॉन्स्टेबल जीडी पद के लिए आपको 25,000 रुपए सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो की पर मंथ सैलरी रहेगी। इसी के साथ में आपका एनुअल इंक्रीमेंट भी आपको यहाँ पर इन वैकेंसीज के अंदर देखने को मिलेगा, जो की 5 साल का रेट 5% का रेट वाला है, मतलब की एवरी ईयर आपका जो है 5% सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, और आपको जो है 13 महीने का यहाँ पर वेटेज मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी आपके यहाँ पर जो है बनने वाली है। इसी के साथ में जो भी गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार जो आपको अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं, वो अलाउंस यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। एज लिमिट के बारे में बात कर ले, तो मिनिमम आपकी 18 साल एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम 50 साल तक के कैंडिडेट है। इन भर्तियों के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं, चाहे वो सूबेदार सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव पद के लिए जो है आवेदन करें, या फिर नायब सूबेदार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन करें, या फिर वो कैंडिडेट हवलदार हेड कॉन्स्टेबल जीडी पद के लिए, या फिर सिपाही कॉन्स्टेबल जीडी पद के लिए अप्लाई करें। मेडिकल फिटनेस आपको किसी भी जो है गवर्नमेंट डॉक्टर से आपको जो है मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसी के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर हाइट के बारे में, तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट आपका 80-85 सेंटीमीटर आपका होना जरूरी है। इसी के साथ में जो भी एसटी के कैंडिडेट है, चाहे वो मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, उनकी यहाँ पर हाइट 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है, और चेस्ट आपका 77-82 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और यहाँ पर आपको जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए भी, जो कश्मीर के कैंडिडेट है या फिर लेह लद्दाख के कैंडिडेट है, उनके लिए भी आपको यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। अभी बात करते हैं दोस्तों अकोमोडेशन के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है आपको अकोमोडेशन में जो है एचआरए आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, बट अलाउंस में आपको पीएडी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, फिर आपको जो भी आपकी सीआईएसएफ रहेगी या जो लोकेशन आपकी रहेगी, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा, देन आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट करवाया
जाएगा जो कि आपका पीएचडी रहेगा। क्रिटिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड आफ्टर पीएचडी आपका जो है यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रहेगा, मार्क और बेस रहेगा। उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। दोस्तों इस भर्ती की सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। मेरिट लिस्ट के साथ साथ में आपको एक वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मतलब कि जो भी कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होता है उन कैंडिडेट को यहाँ पर जो है जॉब के लिए बुला लिया जाएगा, लेकिन कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट में भी रखा जाएगा। जो आपकी वेटिंग लिस्ट जो है ये आपकी लास्ट 6 मंथ में क्लियर कर दी जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये आपको अगर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो उससे पहले आप जाइए जनरल इंस्ट्रक्शन एक बार जरूर रीड कर लें ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अभी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाता है। आप इस एप्लीकेशन को ऑफलाइन के थ्रू भी जो है फिलअप करके जो है सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देखने को मिल जाता है। तो आपको जो है ये डिक्लेरेशन फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकलवाना है और इसको जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम पर आपको ये फॉर्म जो है सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर जो है करने होंगे जो कि आपके सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट रहेगा। इसके बाद में आपका एक क्वेश्चनरी फॉर्म रहेगा। तो ये क्वेश्चनरी फॉर्म भी जो है आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है, कोई भी जो है पुलिस केस वगैरह तो नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद में आपको अपना यहाँ पर नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद में आपको यहाँ पर सिग्नेचर फादर नेम और एड्रेस लिख करके आपको ये जो है क्वेश्चनरी फॉर्म भी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते टाइम पर जमा करना होगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो आपकी वैकेंसी है ये 2022 की वैकेंसी है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। लाइक के साथ साथ प्यारा सा कमेंट भी आप लोगों की छोड़ सकते हैं हमारी और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। जय भारत दोस्तों।